और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने फायदे के लिए अपनी ही पुलिस अफसर को मारने की खबर सामने लाई है। ये खुलासा खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने किया और इस अधिकारी को आईएसआई ने आतंकवादी बनाकर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल कराया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। वीडियो में अधिकारी ने सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में बताया। उसने आईएसआई की पोल खोलते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान के पुलिस अफसर को निशाना बनाया और इस दौरान चार पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के नाम पर मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। तो मेरे अफसर थे आईएसआई में, तो मैंने कहा कि अगर ज्यादा एतमाद बढ़ानी है तो मैं 3-4 आर्मी वाले मारने पड़ेंगे ताकि एतमाद ज्यादा हो जाए। तो अफसर ने कहा कि हम फौज को नहीं मार सकते, अगर आप बोले तो हम पुलिस को मार सकते हैं। ये तो हर रोज कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। तो उस दौरान मेरे एतमाद के लिए तो जो मेरे अफसर थे उन्होंने 4 पुलिस वालों को मारा। तो नाम यही बताया कि टीटीपी वालों ने मारा, लेकिन मारा था मेरे अफसरों ने। और हमारे सहयोगी ओपी तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, हालांकि पाकिस्तान की पोल बार बार खुलती रही है, लेकिन किस तरह से खुद ही आसिम का सांप निकल रहा है और बहुत बड़ा पर्दाफाश इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चेहरा एक बार पूरी तरह से फिर बेनकाब हो गया है और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अपने फायदे के लिए अपने पुलिस अफसरों को निशाना बना रही है और अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कुछ भी कर सकती है, चाहे वो इसके पहले के इंसिडेंट रहे हों या ये ताजा इंसिडेंट है। ताजे इंसिडेंट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने एक आदमी को आतंकवादी संगठन में सेट करने के लिए अपने ही पुलिस अफसरों को मार गिराया है। फिलहाल उनका ये जो सेट आतंकवादी था वो भी अब आतंकवादी संगठन द्वारा पकड़ा गया है और इससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में पूरी तरह हलचल मच गई है। जी शुक्रिया ओपी जानकारी के लिए।